हमें चाहिए आजादी। डर के लेंगे आजादी। महिला सड़क पे आ गई, सरकार तेरे राज में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ गुजरात सरकार, होश में आओ। जब शासक सत्ता के नशे में मदहोश हो जाता है तब वो बेदर्दों की आवाज नहीं सुन सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पिछले 45 दिनों से एलआरडी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर गुजरात के कोने भर से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आंदोलन कर रही है। और आज आंदोलन का 45वां दिन है और यहाँ पर जो कुछ महिलाएं थी उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वे एलआरडी भर्ती परीक्षा के अंदर उनके साथ बता रही कि अन्याय हुआ और उसके लिए वो अपने न्याय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर साथ में जुड़े हुए हैं। उन्हीं महिला जो उम्मीदवार है उन्हीं से बातचीत करते हैं। बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं? हम यहाँ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो सरकार ने नया ये कार्ड का जीआर निकाला है उससे हम महिलाओं को नुकसान हो रहा है। और हमें 45 दिन से यहाँ वो आंदोलन कर रहे हैं और कल से हम उपवास पर उतरे हैं। 7 बहन है और 4 भाई है और इनमें से किसी को भी कुछ भी हुआ तो इनकी जवाबदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार तात्कालिक एक्शन ले और हमारा जो गैर बंधारणीय जीआर है वो रद्द करे। नहीं तो इन लड़कियों में से और भाइयों में से जीआर जाएगा, नहीं तो इनमें से किसी की जान जाएगी। सरकार को ये ध्यान रख कर जीआर तात्कालिक रद्द करना चाहिए। आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जीआर में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपको अन्याय हो रहा है? आप बता रहे लगातार कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्या है पूरा मामला आप बताइए। इस परिपत्र से हम एलआरडी भर्ती में ही अन्याय नहीं हुआ है, ये पूरी 85 सीटों का बस्ती है जिसका ये सवाल है। जो महिला है वो जिसके बहुत ज़्यादा मार्क है वो भी जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। इस लोगों ने जनरल को एक कैटेगरी कर दी है जो कि वो कंपटीशन है, इसलिए सब SC ST OBC की महिलाओं को अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय हमारी भर्ती तक का नहीं है सीमित, ये अन्याय तो बोर्ड कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटी तमाम जगह पर लागू होने वाला है। इसलिए हम इस परिपत्र को गैरबंधारणीय कह रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल 19 आर्टिकल का भंग होता है और इसमें 85 सीटों का बस्ती है जिसके महिला है गरीब मध्यम वर्ग की, उसको अन्याय हो रहा है, इसलिए हम इस गैरबंधारणीय परिपत्र को रद्द करना चाहते हैं। आप बताइए कि 45 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार की ओर से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है क्या? नहीं, अब तक तो कोई नहीं। यहाँ से हमने कई बार सरकार को ये हमारे साथ मीटिंग करने के लिए या फिर आवेदन पत्र दिए, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिलता। आप लोगों को पुलिस ने बीच में एक आध बार डिटेन भी कर लिया था, फिर भी आप लोग वापस आ गए, तो पुलिस की कार्यवाही पर क्या कहेंगे? हमें पुलिस ने 3 बार डिटेन किया, जब हमें यहाँ शांति से बैठे होते फिर भी हमें डिटेन किया जाता है। जब अमित शाह यहाँ गांधीनगर में आए थे तब हम यहाँ सुबह शांति में बैठे थे फिर भी हमें डिटेन किया गया। आप लोग कितने दिन तक खाना पीना नहीं खाओगे क्योंकि अभी तक कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया? 45 दिन हो गए, लंबा एक समय गुजर चुका है। कितना समय क्यों ना हो जाए पर हम तो उपवास पर तब तक रहेंगे और आंदोलन तब तक करेंगे जब तक हमारा गैर बंधारे एक आठ का जो ठहराव है वो रद्द न हो जाए तब तक। आजादी के नारे लग रहे, दिल्ली में अक्सर ऐसे आंदोलन होते हैं, यहाँ पर आजादी के नारे क्यों लग रहे? वो तो सरकार को जानना चाहिए, वो तो सरकार है, वो नियम बनाती है, उनको समझना चाहिए कि चारों ओर हम जब नारा लगाता है आज़ादी आज़ादी, पर नारा तक ही सीमित है। आज़ादी सबको मिलती नहीं है, कहने वाली आज़ादी है पर किसी को मिलती नहीं है आज़ादी। यहाँ पर आपके समर्थन में कोई पार्टी से कोई नेता वगैरह कोई वो लोग आए हैं क्या? नहीं, नेता पार्टी ऐसा कुछ नहीं है पर समाज के तमाम संगठन आते हैं और जो भीमान में है उनके भाई हो वो हमारा समर्थन सबसे ज्यादा कर रहे हैं। बाकी अन्य समाज के लोग आते हैं, संगठन तमाम आते हैं, अमुक नहीं आते है, वो भी समझ जाएंगे तब आएंगे। हमको समाज का सपोर्ट पूरा है। गुजरात में जो दलित लोग हैं उनके लिए जिग्नेश मेवाणी अक्सर आवाज बनते हैं, तो जिग्नेश मेवाणी की ओर से कोई सपोर्ट मिला है आप लोगों को? जिग्नेश मेवाणी ने हमको सपोर्ट दिया था, वो भी हमारी मुलाकात लेने आए हैं और हमने कोई राजकीय पक्ष नहीं बनाया है, हमको ये पॉलिटिक्स में नहीं जाना, इसलिए हम सबको मानते हैं कि जो भी हमें सपोर्ट करना चाहे वो पॉलिटिक्स को एक साइड में रख के हमको सपोर्ट करे। एक समाज के लेवल से या कोई महिलाओं के लिए।
आप यहाँ पर आए हुए, आपकी जो बहन है वो यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये 45 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है, अन्न जल का भी अभी त्याग कर दिया गया है पर कोई प्रस्ताव नहीं आया, यहाँ पर पूरे अलग अलग कोने से आए हुए यहाँ पर? मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ गुजरात के और भारत के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा यह देश संविधान पर चल रहा है और संविधान के अंदर जो लोग हैं गरीब पीड़ित लोग यानी कि एससी एसटी ओबीसी इन तीनों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। एससी को 7%, एसटी को 15% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला। बाकी का जो 51% है वो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी यानी कि कॉम्पिटेंस वाला। लेकिन गुजरात सरकार ने 1/8/2018 का ये परिपत्र निकाल कर रिजर्वेशन की परिभाषा ही बदल डाली है। अभी तो ऐसा हो गया है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग है उसको अपनी कैटेगरी में ही सीमित कर दिया और बाकी का जो 51% आता है वो जनरल कैटेगरी यानी कि पहले कंपटीशन था अब वो रिजर्व हो गया और इसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं जा पा रहे। इसके कारण ये 45 दिनों से बहनें यहाँ पर बैठी हुई है और अगर ये आंदोलन आगे चढ़ा तो गुजरात में बड़ा तूफान आने वाला है। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला छात्रा है 45 दिनों से आंदोलन कर रही है और अपनी बात पर अभी भी अड़ग है और वो बता रही कि सरकार को ये जो परिपत्र उन्होंने लाया है उसको रद्द करना होगा, यदि नहीं तो यहाँ से वो तब तक खड़े नहीं होंगे। और यहाँ पर से जो 7 महिला छात्राएं थी उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार इन महिलाओं की मांग को स्वीकार करती है या नहीं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गौतम जोशी, गुजरात तक, गांधीनगर।